If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FMs Bawarchi Khana. I hope you all are fine. So aaj hamare Bawarchi Khane mein main aapko banana sikhaungi gajar ka gajrela. To ye kis tarike se banega aur uske liye kya kya cheeze chahiye? Sabse pehle aapne 1 kilo gajar leni hai aur usko kadukash kar lena hai. मोटी छनी से आपने इसको कद्दूकश करना है. मशीन से कर लें या कद्दूकश करने वाले से कर लें. सो कद्दूकश करने के बाद आपको चाहिए देसी घी. यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ. आप आम घी भी ले सकते हैं और आप इसके अलावा सादा ऑयल भी ले सकते हैं. एक कप मैंने लिया है. साथ ही 3 अदद सब्ज़ इलायची, इनको तोड़ के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है. मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट. और अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ कद्दूकश की हुई गाजरें. ये तकरीबन 1 किलो हैं. 1 किलो गाजर डालने के बाद अब इसे हमने पकाना है फॉर 10 to 15 मिनट्स. 10 से 15 मिनट के बाद इसकी ये लुक निकल के आ जाएगी. और फिर हमने गाजर के अंदर दूध शामिल करना है. यहाँ मेरे पास ऑलपर्स मिल्क है जो कि मैंने 2 लीटर इसके अंदर शामिल किया है. आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं. और 1 गिलास पानी, सादा पानी डाला है. और साथ ही 1 कप मैंने इसमें चावल के डाले हैं. चावलों को साफ़ करके आपने 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है. सारी चीज़ें डालने के बाद इसे आपने 1 घंटे के लिए कुक करना है. और दरमियान में वक्तन फवक्तन आपने चम्मच चलाते रहना है. आफ्टर 1 आवर आपने 1 घंटे के बाद इसमें कोई सा भी घोटने वाली चीज़ लेनी है. आपने या बीटर ले लें या आप हाथों की मदद से जो मदानी होती है आप उसकी मदद से आप इसे बीट करें. 30 सेकेंड के लिए पहले आपने इसको बीट करना है. फिर मिक्स करके चेक कर लेना है. दोबारा आपने फॉर 30 सेकेंड इसको बीट करना है. बीट करने के बाद इसको देख लें एक दफ़ा. फिर आपने 2 कप के करीब चीनी इसमें शामिल करनी है. दानेदार चीनी मैंने ली है. आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना डाल लें. 1.5 कप डाल के देखें. अगर आपको कम लगती है तो आप ज़्यादा डाल लें. ठीक है. सो यहाँ पे 20 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया था चीनी डालने के बाद. और ये बिल्कुल तैयार है. सो इसे ज़रूर बनाइए. बहुत अच्छे बनता है, बहुत मज़े का बनता है. और अगर आप जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट. आप यहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी. कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं. सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी. ये बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.